फिर कोई डरावना ख्वाब देखा? अरे मम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो सो रहे हैं। निमो डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। आशी मम्मी अब्बू को बुलाओ, मम्मी अब्बू को बुलाओ। आशी कुतिया खाला के भी दम का कोई असर नहीं हुआ तुम पर, फिर उसी तरह के ख्वाब आता है। क्या देखा ख्वाब में? आशी बताओ मेरी प्यारी बहन, जब तक बताओगी नहीं तब तक इसी तरह डरती रहोगी। आज मैं देखा हमारे अम्मी अब्बू आंखें नहीं खोल रहे। इस तरह थोड़ी ना होता नमो, कुतिया वाले ने कहा था ना इस तरह के ख्वाब सच नहीं होते। लेकिन आशी मैं हूँ ना तुम्हारे पास, आ जाओ आ जाओ, डरो मत। मामू जान के घर में रहना होगा। निम्मो और आशी अब हमारे साथ रहेंगे। हाथों में जान नहीं है क्या? जोर से बर्तन मांझ, अच्छी तरह धो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ऐसे क्या देख रही है मुझे? मत देख मुझे, उधर मुंह कर। माँ बाप को तो खा गई, मुझे भी पार करेगी क्या? इसमें निम्मू को क्या कसूर है ममानी? नहीं, सारा कसूर मेरा है। निम्मू तो है ही मनहूस, तू भी किसी से कम नहीं है। दोनों मिलके माँ बाप को खा गई। माँ बाप तो मर गए, मेरे के सर पे दो लाशें छोड़ गए। किसी को ख्वाब में देखने से कोई मर नहीं जाता ममानी। चुप कर जाओ, थप्पड़ मारूंगी तेरे मुंह पे। जादूगरनी ने मुझे ख्वाब में देख लिया तो? निम्मा बुरी नहीं है, उसके सारे ख्वाब बुरे नहीं होते। उसने एक बार देखा था अपने ख्वाब में कि अब्बू मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, और कुछ दिन बाद अब्बू ने मोटरसाइकिल खरीद ली। वो बुरी नहीं है। तो चुप कर, ज्यादा साइड मत ले उसकी। अरे बदबख्त, मेरे जहेज का गिलास तोड़ दिया तेरा बेड़ा तरजर। तूने मेरे जहेज का सेट खराब कर दिया। जानू जी तोड़ा नहीं। तुम दोनों को तो यहाँ रहने का कोई हक ही नहीं है। यहाँ से निकाल देना चाहिए मुझे, निकलो यहाँ से। तुम दोनों को तो घर में रहना ही नहीं चाहिए। अल्लाह से डरो शकीला, इन मासूमों पर जुल्म मत करो। मैं जुल्म नहीं कर रही हूँ। जब ये गलती करेंगी तो सजा तो मिलेगी ना इन्हें। जाओ बेटा कमरे में जाओ। इन यतीमों पर हाथ उठाने से पहले ये मत भूलो तुम एक बेऔलाद औरत हो। अल्लाह से रहम की दुआ करो। किस्मत ने इन दोनों को हमारी गोद में डाल ही दिया है, तो माँ बनकर इनकी परवरिश करो। लगता है आपने भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए। दूसरों की औलाद को मैं माँ बन के पालूं, और वो भी आपकी बहन की औलाद को। माफ रखें मुझे, मुझसे ये नहीं होगा। शायद अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल से निकल गया है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने आशी और निम्मो को इस घर से निकाला तो मैं भी साथ जाऊंगा। देर किस बात की है, जाएं, अभी के अभी जाएं इन दोनों के साथ। पांच औरत हो फिर भी अब तक मेरे साथ हो, हमारा रिश्ता कायम है। मुझे मजबूर मत करो कि ये रिश्ता कायम ना रहे। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें, मैं जो ख्वाब देखती हूँ सच जाता है। काश मैं वो ख्वाब ना देखती तो आज अम्मी अम्मू जिंदा होते। अम्मी अबू तुम्हारे ख्वाब की वजह से नहीं गए, वो अल्लाह के हुक्म से गए। तुम अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। रहमान मामू है ना, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। मेरी मरहूम बहन की बेटियां हैं, मेरे लिए औलाद की तरह है। औलाद है तो नहीं ना, कौन सा इन्होंने सारी जिंदगी हमारे साथ रहना है। अपने अपने घर चले जाना है एक दिन, वक्त गुजरते पता भी नहीं चलेगा। ना धूप है ना साया है, खुद से ही डरा रहता है, ये जख्म हरा रहता है। मेरी आँखों में ख्वाब है जो जिंदा है, ख्वाब है आके बाबरा परिंदा है। सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी निम्मू, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी बहन आशी। हकीम साहब, मेरी पलकों के तले मेरे सब ख्वाब जले, जाने कब रात टले, जाने कब सांस चले। मेरी पलकों के तले मेरे सब ख्वाब जले। अरे बेटा, बस हम उठ ही रहे थे, खाना खाने का वक्त हो गया ना। मैं जब भी आती हूँ आपका खाना खाने का वक्त हो जाता है। अब तुम आती ही हमारे खाने के वक्त हो, क्या करें। चार गलियां पैदल चलकर आती हूँ। अच्छा चलो, कैसे आई हो? एक ख्वाब की ताबीर मालूम करनी है। ख्वाब की ताबीर? एक महीने में चौथी बार आई हो तुम ख्वाब की ताबीर मालूम करने? कैसे देख लेती हो इतने ख्वाब तुम? हैं? चलो 5 मिनट में बता दोगी? जी जी मैं सुना लूंगी। एक सब्ज खुला मैदान था, बादल गरज रहे हैं, एक वीरान सी जगह है, मैं और आशी एक साथ हैं। अचानक मेरी निगाह पड़ती है तो मुझे 2 जर्द रंग के फूल नजर आते हैं। मैं उन फूलों के पास जाती हूँ। निम्मो, और उन फूलों को अपने हाथों में ले लेती हूँ। मैं अभी सोच ही रही थी कि इस वीराने में ये फूल कहाँ से आए कि अचानक उसमें से एक फूल मुरझा जाता है। मुझे आशी की चीख सुनाई देती है। निम्मो! वो जमीन पे गिरी हुई है। मैं भागकर उसके पास जाती हूँ। आशी! आशी! इतने में मेरी आंख खुल जाती है। देखो बेटा, गैब का इल्म सिर्फ मेरे मालिक के पास। हमने तो जो कुछ किताबों से सीखा उसकी बुनियाद पे कोई ताबीर बताने की कोशिश करते हैं। बेटा सुनो, वो जो फूल तुमने देखे ना बेटा, वो एक फूल तुम हो और एक फूल तुम्हारी बहन। जो तूफान है वो किसी परेशानी की नवीद दे रहा है, और वो एक फूल का मुरझा जाना इसका मतलब है कि तुम्हारी बहन बीमार है। और वो मुरझाया हुआ फूल तुम्हारी बहन है। मैं आशी को फोन करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी। इसका नंबर तो बंद है। मैं चलती हूँ हकीम चाचा। बेटा परेशान मत हो, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं ना बेटे। अल्लाह खैर करे। खुदा हाफिज। पूरे 15 साल बाद तुमने अपनी शक्ल दिखाई है मुझे। कहाँ रह गई थी? तुम्हें देखकर कसम से मेरे तो सीने में ठंड पड़ गई। और तुम्हारा भी तो कहीं आता पता नहीं था। तुम्हें पता है पुराने मोहल्ले में फरीद के भांजे को कई बार मैंने भेजा, तेरा कोई सुराग ही नहीं मिला। वो तो अल्लाह भला करे सुरैया मिल गई, उससे ही टेलीफोन नंबर लिया मैंने। चलो शुक्र है वो आ तो गई। सुरैया बता रही थी तुमने दंगरू शुरू कर दिया। हाँ भैया, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। अरे कोई तावीज धागा वागा मांगता है ना तो पढ़ कर दे देती हूँ। मैंने तो अपने अल्लाह से लौ लगा ली है भैया। चलो अच्छी बात है, अपनी आखिरत संवारी हो तुम। निम्मो बाजी, कोई पतंग तो नहीं है यहाँ पे? पतंग तो कट के कहीं दूर चली गई। तुम क्यों आए हो यहाँ? ये क्या है? ये अय्यूब भाई ने दिया आपके लिए। अच्छा, अब कोई पतंग आए ना आपने मुझे बताना, ठीक है? हाँ तू जा। बता। हाँ हाँ पूछ। सुरैया बता रही थी कि तू अभी तक बेऔलाद है। नजरें नीची रख के बात किया कर मनहूस। कहाँ थी? वो छत पर। तेरी माँ को भी छत पे जाने की बड़ी आदत थी। मैं कह रही हूँ नजरें नीची रख के बात कर। कितनी बार कहा मेरी तरफ मत देखा कर। ख्वाब में देखेगी मुझे, मुझे भी मारेगी। कपड़े रख दिए मैंने धोने वाले, कल धो तू। क्यों? बहुत पड़ रही है आज। आज ही धुलेंगे, जाकर धो। बड़ी बातें सुनाई तूने इस बच्ची को। कौन है ये? मेरी नंद की बेटी है निम्मो, बदबख्त मनहूस पारी। हाँ ठीक कह रही है तू, सुरैया ने इसके बारे में ही मुझे सब कुछ बताया था। मोहल्ले में कोई मुंह नहीं लगाता इसे, कोई बात नहीं करता इससे। अरे मैंने तो सुना है कि बड़ी काली जबान है इसकी, जो कहती है और जो ख्वाब में देखती है सब सच हो जाता है। और नहीं तो क्या सच सुना है तुमने? ख्वाब में देखा था इसने बचपन में कि माँ बाप मर गए, अगले ही दिन बस के नीचे आके दुनिया से निकल गई। हाय मेरे अल्लाह। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की और हमेशा करता रहूँगा। मैंने बहुत कोशिश की पर अब्बा हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे। उन्होंने कहा अगर मैंने तुमसे कोई राब्ता रखा तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया मुझसे, घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। इसलिए मैं ख़त लिख रहा हूँ, अब्बा मुझे इस्लामाबाद भेज रहे हैं। निमो अगले महीने ताया जी की बेटी के साथ मेरी शादी हो जाएगी। अब शायद हम कभी ना मिलें। सारे खत, तुम्हारी सारी तस्वीरें बबलू के हाथ भेज रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा अय्यूब। एक कहानी थी, एक फसाना था, अपना बिछड़ना तो एक बहाना था। शिकवों के सूखते छाले हैं, रात के साए तो रात से काले हैं। ख्वाब पे कर्जा है, नींद उधारी है, सीने में सांसें हैं या कोई आरी है। निम्मो। आशी, आशी कैसी हो तुम? सुबह से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ऑफ था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो फोन चार्ज करना भूल गई थी। तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आशी? हाँ ठीक है, तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं ऐसे ही। रात तुम्हें ख्वाब में देखा था कि तुम जरूरी तो नहीं तुम्हारा हर ख्वाब सच्चा हो। अच्छा ये बताओ कि क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं, आज अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी, वो मेरी वजह से। फिर कोई बात नहीं बोल, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? उनकी इतनी लिखी थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊँ। आप तो बड़ी हो गई हो, निकाल दो अपने दिल से ये वहम। मेरी किस्मत ही खराब है आशी। नहीं, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ, अयूब से बात हुई थी? आशी, आशी अयूब ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? कहते हैं कि उसके अब्बू नहीं मान रहे, अपनी कजिन से शादी कर। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़का डरपोक है। वहां पर डरपोक लोगों का काम नहीं होता। खत्म करो इसे। तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा लड़का आएगा एक दिन। अपना ख्याल रखा करो। और मम्मा ने कुछ भी कहा है ना, फौरन मामू को बता दिया करो। आशी, आशी तुम सच कह रही हो ना कि तुम बीमार नहीं? अरे कहा ना बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चलो, हमें एक शादी में जाना है, तुमसे आके बात करती हूँ। अच्छा अपना ख्याल रखना, मिनाल को प्यार देना और नदीम भाई को मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफ़िज़। तुमने निमो से झूठ क्यों कहा कि तुम्हें शादी में जाना है? तो क्या उसे सच बता देती कि मैं बीमार हूँ और हॉस्पिटल जा रही हूँ? उसी को क्या पहले का मुझे उसे एक और दे दूँ? हुमायूं ने उसका जीना हराम किया हुआ है। अच्छा चलो उठो, शाबाश, हम हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहे हैं। अच्छा चलो आज चलो। पहले कहाँ दिखाते थे आप पेशेंट को? हाँ डॉक्टर साहब, हमारे घर के पास एक क्लिनिक है, वहीं ले जाता था। हमने कंफर्मेशन के लिए टेस्ट दोबारा करवाए। आपने बहुत देर कर दी पेशेंट को यहाँ लाने में। क्या मतलब देर कर दी है? मैं समझा नहीं। कि अब सब ठीक तो है ना, कुछ बहुत सीरियस बात है? आपकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर है। क्या? स्टेज 4, लास्ट स्टेज पर। कहा डॉक्टर ने? ये दर्द दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? आशी तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वो तुम्हें बड़ी एडमिट कर रही है। मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? कह रहे हैं कि या तो आप उनकी अम्मी को या अपनी अम्मी को बुला ले। मैंने उनसे कहा कि हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के सवार कोई भी नहीं है, बस एक इसकी छोटी बहन है, लेकिन मैं रहूँगा आशी के पास। नदीम, डॉक्टर ने क्या कहा? बताओ नदीम, कुछ तो बोलो। तुम्हें तुम्हें कैंसर है। डॉक्टर अभी से ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने बहुत कोशिश की पर अब्बा हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे। उन्होंने कहा अगर मैंने तुमसे कोई राब्ता रखा तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। अगले महीने ताया जी की बेटी के साथ मेरी शादी हो जाएगी। अब शायद हम कभी ना मिलें। जी भवानी, तुम्हारे मामू आने वाले हैं, उनके लिए रोटी डाल दो। अरे आने वाला नहीं, आ गया हूँ। चलो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारी सारी किताबें ले आया हूँ। आपका तो आज बॉन्ड निकलने वाला था ना, उसका क्या बना? आज भी नहीं निकला। ये बॉन्ड लिया था ना तो सोचा था कि इससे निम्बो की शादी करूंगा धूमधाम से और बाकी पैसों से कोई छोटी मोटी दुकान खरीद लूंगा। 6 साल हो गए, आज तक तो लगा नहीं हमारा बॉन्ड। इंशाल्लाह आपका नंबर जरूर लगेगा। तुमने कह दिया है तो जरूर लगेगा। मैं रोटियां डाल देती हूँ। हाँ। रहमान, मेरे लिए तो आज तक आप कुछ नहीं लाए। अरे आप हुकुम करें, क्या चाहिए आपको? सुकून चाहिए, वो कब ला कर देंगे? वो जरा मुश्किल है जी। पता है मुझे मुश्किल है, जब तक ये बन्नो रानी इस घर में है सुकून मुश्किल है, जिंदगी मुश्किल है। निराल कहाँ है? मेरा दोस्त आया हुआ है बाहर, वसीम, उसी के साथ है। यहाँ पे बच्चों को अलाउ नहीं करते तो इसलिए नहीं अंदर आ सकती हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना। तुम निराल की फिक्र मत करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। इलाज पे तो बहुत पैसे खर्च हो रहे होंगे ना? सब बंदोबस्त हो गया है। कैसे? घर बेच दिया है। पहले तुमने मेरी वजह से गाड़ी बेच, अब घर बेच दिया। काश सब कुछ दोबारा बन जाएगा। नदीम, तुम कहाँ रहोगे? जब तक तुम्हारा इलाज हो रहा है मैं और मिनाल वसीम के घर पे ही रहेंगे। बहुत अच्छा। निमो और मामू को तुम्हारी बीमारी के बारे में बता दो। देखने दी, किसी को परेशान नहीं करना चाहती, बल्कि अगर निमो को फोन आए ना तो उसे कहते ना कि तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। उसे कुछ नहीं पता था, बहुत परेशान हो जाएगी। वो रोती पीटी यहाँ पे मुझसे मिलने आ जाएगी। ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं बताओ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। नदीम, मेरे बाद मिनाल को बाप बाप बनकर पालना। ऐसी बातें ना करो आशी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं सदके जाऊं, बाहर शदीद गर्मी थी ना, कैसे पसीना आया हुआ है, इसीलिए मैंने शरबत बनाया तुम्हारे लिए, ये पकड़ शरबत पियो। मुमानी आपने मेरे लिए? हाँ हाँ तुम्हारे लिए बनाया है। क्यों यकीन नहीं आ रहा? ये लो, मैं तुझे जो चीनी पड़ के दूंगी ना, फिर देख कैसा कमाल दिखाता है वो दादी। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि ममानी कुछ घोल के तो नहीं पिला रही? नहीं ममानी, आप तो मुझे जहर भी घोल के पिलाएंगी तो मैं पी लूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों जहर देने लगी? इतनी भी जालिम नहीं हूं मैं, जितना जालिम तुम दोनों बहनें मुझे समझती हो। लाल शरबत है बस, पी लेना, और हाँ गिलास धो के रखते हैं। और सुनो, हर वक्त नजरें नीचे रख के बात करने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें, बस थोड़ा ममानी का ख्याल करो। धो के रखते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखा करो, बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी। उफ। नहीं कौन है, क्यों मेरा पीछा कर रहा है? मामू को बताऊं या ना बताऊं? बता दिया तो मुमानी ताने देना शुरू कर देंगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।